बहुत छोटे छोटे तरीकों से मैंने खुद एक चेंज देखा है कम्युनिटी में, क्योंकि समटाइम्स द चेंजेस आर वेरी स्मॉल दैट यू नोटिस. आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल एंड ऑल दिस चेंजेस हैपन बिकॉज ऑफ इनिशिएटिव्स लाइक दिस. सो पहले जोक था साइक्लॉप पे, किसी ने पोस्ट किया था कि यार मैं तो हर संडे साइकिल जाना चाहता हूँ पर मेरी बीवी नहीं जाने देती. तो इस पर बहुत लाइक्स और जोक्स और ऐसे कॉमेंट्स आते थे. अब एक साल बाद किसी और ने ऐसा पोस्ट किया तो ऑल द मेन कॉमेंटेड, क्यों तुम्हारी बीवी को राइड पे नहीं जाना, उसका काम यही है कि तुम्हें रोके. सो देर हैज बिन अ माइंड सेट चेंज. पीपल लुक एट द इंडिविजुअलिटी ऑफ द वुमेन ऑल्सो. They don't think the woman's role is just to stop the man or to facilitate his passion. So these are the small changes that we have noticed on Cyclop itself. Other than this, Cyclop से जो मुझे opportunity मिली करने के वो ये थी कि पूरे country में हम बता पाएं कि ये ride हो रही है, क्या आपको भी करना है. What surprised me was कितने easily हो गया. हमने पूछा लोगों से कि आपको ये विमेन्स एम्पावरमेंट राइड करनी है एंड खुद ही पीपल वॉलंटियर्ड. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट दिस राइड इज इट इज वेरी ऑटोनोमस एट मेनी लेवल्स. पीपल आर एक्साइटेड टू मेक देयर ओन पोस्टर्स, स्टार्ट देयर ओन प्रेपरेशंस. गोपेश फ्रॉम त्रिपुरा हैज कॉल्ड पद्मश्री होल्डर दीपा कामरकर. सो पीपल आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट which is not dictated from above. I think everyone here has acted as a facilitator. And what we have noticed is that logo ko sikhane ki jagah ki aise karo, there's already a feeling in the public and among men very largely that this message, everyone sitting at home when something happens feels that this is wrong and I must do something. And this ride is giving everybody an opportunity to do that, to really do something. So it's a great pleasure to be associated. एक चीज के लिए मैं क्षमा मांगूंगी. आज हमारे साथ आशा जी दिव्या की मदर ने भी होना था, लेकिन आपको बताते हुए थोड़ा सा मुझे इस बात का दुख है कि कल शायद बहुत सारा स्ट्रेस है उन पर, बहुत सारे न्यूज चैनल्स में वो आ रही थी बराबर, और उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी पहले भी. और कल वो कोर्ट में जब ये सारा कार्रवाई चल रही थी तो तब वो कोर्ट में कल गिर गई और शी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज. तो आज इस कारण से आशा जी आज हमारे बीच में नहीं है आ सकी हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ. और लक्ष्मी को डेफिनेटली कहीं बेंगलोर जाना पड़ गया सडनली, तो वो लक्ष्मी बेंगलोर चली गई है, तो वो दो पर्सन के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ. हिमांशु हमारे साथ हैं जो अपने आप में स्टार साइक्लिस्ट हैं. और मैं आपको फिर एक और चीज बताना यहाँ चाहूंगी कि जब ज्वाला ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा था उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, महिला सुरक्षा. विषय ये होना चाहिए, कोई टी शर्ट नहीं, कोई बैंड बाजा बारात नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, किसी भी चीज का कोई तामझाम न होते हुए भी क्या लोग आपके साथ एक विषय को लेकर जुड़ सकते हैं. इस बात का ये सीधा सीधा उदाहरण है कि लोग दिल से इस विषय के साथ जुड़ना चाहते हैं. किसी को कुछ मिल नहीं रहा है उसके बावजूद लोग उस विषय के साथ जुड़ के आगे आके काम करना चाहते हैं. ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है और इस उदाहरण के लिए पूरे देश भर से आए हुए जितने लोग हैं और दीपेंद्र जी और मालविका और इंगे सर और जिन्होंने इतनी सारी मेहनत करी है उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. क्योंकि इस मैसेज को आगे लेके जाने के लिए सबने अति उत्साह के साथ जो दिखाया है वो सारा का सारा अविस्मरणीय है. लास्ट ईयर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा था और रेनू मैम ने मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ा और खुशी हुई कि वुमेन सेफ्टी के लिए मैं जुड़ा. पर कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि आज हम उस जगह पर हैं जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो चुकी है, हमारा देश हर जगह में मतलब कि आगे जा रहा है, पर अब आज भी वुमेन सेफ्टी के बारे में बात करते हैं. मतलब कि डर लगता है कि क्यों हमारे देश में काम हो रहे हैं, क्यों वुमेन सेफ्टी नहीं है. आज मेरी मदर अगर घर से जाती है मुझे डर रहता है कि कहीं कुछ होना जाए. मेरी मदर अगर कहीं पास में भी जा रही है मैं कभी उनको 10 बार बोल सकता हूँ कि आप ठीक हो, आप कहाँ पर हो. तो शर्म भी महसूस होती है कि आज भी हम वुमेन सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं खुशी इस बात को भी लेकर होती है कि हम लोगों के बीच पहुंच पा रहे हैं. जैसा साइकिलिंग एक बहुत ईजिली वे है, बहुत ईजिली हम लोगों तक पहुंच सकते हैं और बहुत अच्छे से उनको अवेयर कर सकते हैं. और
अगर हम बात करें वुमेन सेफ्टी को लेकर तो अभी हम बहुत पीछे हैं। अगर हम यूरोपियन कंट्री को देखें, वेस्टर्न कंट्री को देखें तो बहुत पीछे हैं। तो हमको ना इसके लिए आगे आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज कि मैं किसी पॉलिटिशियन पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी पॉलिटिशियन लीडर के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैं जब भी किसी पॉलिटिशियन लीडर को जेंट प्लस सिक्योरिटी और किसी भी सुरक्षा के साथ देखता हूँ तो मुझे दुख होता है इस बात को लेकर कि क्यों अपने ही पॉलिटिशियन लीडर को अपने प्रशासन पर विश्वास नहीं है कि उनकी सेफ्टी कर सके। अगर एक पॉलिटिशियन लीडर को सेफ्टी की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब यह है कि वो और नागरिकों को सेफ्टी नहीं दे पाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यूरोप के इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का नाम लूंगा कि जिन्होंने एज अ मेयर जब उनको लंदन का मेयर अपॉइंट किया गया था उन्होंने सुरक्षा हटा दी थी। वो इस सुरक्षा को उनका जो उनका था कि मैं क्यों हटा रहा हूँ, उन्होंने बोला था कि अगर मैं अपने देश में सुरक्षित नहीं तो क्या मैं आम नागरिकों को सुरक्षा दे पाऊंगा, स्पेशली फॉर वुमेन, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा चार्जेस हो रहे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं हर्ट फील होता है इस बात को लेकर जब पॉलिटिशियन लीडर अपने देश में सुरक्षित नहीं है और वो जेंट प्लस सिक्योरिटी लेकर चलते हैं। अगर इस तरीके से अगर पॉलिटिशियन लीडर जेंट प्लस सिक्योरिटी लेकर चलते हैं तो मुझे लगता है कि हर नागरिक को जेंट प्लस सिक्योरिटी देनी चाहिए देश की।